Hello everyone, today I will teach you chapter 11, exercise 11.2, class 7th mathematics. Okay, usko karne se pehle aapko kuch cheeze malum honi chahiye, theek hai, which is based on number line, theek hai, number line per based hai, but phir bhi, yahaan bata dete hai, kyunki number line aap first chapter mein integers mein aap pad chuki ho, theek hai. अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर सपोज मैंने लिया, ठीक है, इंटीजर ही ले लो आप, 8 लिया मैंने, ठीक, एंड 2. अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ग्रेटर कौन सा है तो आप बोलोगे कितना है, 8 है मैम ग्रेटर, राइट, 8 इज ग्रेटर, ठीक है. अब चलो पॉजिटिव नंबर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं. यहां लिखा हुआ है -7 एंड -5. अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें ग्रेटर कौन सा है तो आप बोलोगे -7, जो कि बिल्कुल भी गलत है, ठीक है. क्या है इसमें ग्रेटर, -5 इज ग्रेटर, ठीक है. अब थर्ड क्या है, जीरो के साथ कंपैरिजन करते हैं दोनों का. अगर जीरो और नेगेटिव नंबर्स हैं, सपोज 0 एंड -3, तो इसमें ग्रेटर कौन सा होगा, इसमें होगा 0 इज ग्रेटर, ठीक है. अब पॉजिटिव नंबर्स के साथ अगर आपने किया कंपैरिजन, मतलब सपोज लिया आपने 0 एंड 2, इसमें ग्रेटर कौन सा है तो आप जानते हो 2 इज ग्रेटर, ठीक है. इतना समझ गए आप, ठीक है. अगर सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के बीच में कंपैरिजन हो, जैसे लिखा हुआ है 2 एंड -2, इसमें से ग्रेटर कौन सा है, इसमें से है 2 इज ग्रेटर. आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे, मैम यहाँ पे ये पॉजिटिव कैसे, ये तो 2 लिखा हुआ है, इसके आगे कोई सा साइन नहीं है, इसका मतलब है ये +2 है, ठीक है. ये 4 कंडीशंस आप समझ गए, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन एंड दिस इज फिफ्थ वन. ये जो कंडीशंस है ये आप समझ गए. अब चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है. इसमें कुछ भी नहीं है, ये मैंने इंटीजर्स बताया आपको, वहां आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दी हुई है, ठीक है. फ्रैक्शनल वैल्यू में भी सेम यही कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है. अब ये क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ आपको पेयर्स दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है. अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2/3 एंड क्या लिखा हुआ है, 8/3. अब यहाँ देखो यहाँ क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है. क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक. तो ये क्या है, 2/3 में ये है न्यूमिनेटर और ये है डिनोमिनेटर, यहाँ भी क्या है, ये है न्यूमिनेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर. सबसे पहले डिनोमिनेटर देखेंगे कि सेम होना चाहिए, ठीक है. नहीं होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे. बिना डिनोमिनेटर सेम होके आपने ये नहीं बता सकते हो आप कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है, ठीक है. समझ गए, तो डिनोमिनेटर यहाँ सेम है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है. तो आपको अब न्यूमिनेटर जो ग्रेटर है उसी को आपको टिक करना है, मतलब यहाँ 2 और 8 में से कौन सा ग्रेटर है, 8/3 इज ग्रेटर, ठीक. समझ गए. अब देखो -3/6 और 0 लिखा हुआ है तो इसमें ग्रेटर कौन सा है, 0, क्योंकि माइनस की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ठीक है. थर्ड में आपको पता है 3/9 इज ग्रेटर. फोर्थ में देखो, फोर्थ में आपका माइनस में वैल्यू है, तो जो जितना ही बड़ा होता है माइनस वैल्यू में वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है. मतलब -6/11 इज ग्रेटर रेदर देन 7/-11, ठीक है. 5/6 और 0, इसमें कौन सा ग्रेटर है, इसमें 5/6 इज ग्रेटर, ठीक है. अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो, यहाँ -15/4 इज ग्रेटर, ठीक है. ये कर लोगे आप. अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक. अब आपको ये बताना है यहाँ पे कि 2 रेशनल नंबर्स में से कौन सा ग्रेटर है, कौन से पेयर में कौन सा वाला जो रेशनल नंबर है वो ग्रेटर है. अब जैसे सपोज लिखा हुआ है फर्स्ट वन 5/9 एंड
not an or minus 3 upon minus 2. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. अब इसमें बताना है आपको कि कौन सा ग्रेटर है. सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना है यहाँ से 5/9 और 3/2. ठीक है, अब यहाँ देखो, अब मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, क्या यहाँ पे है? नहीं, तो इसका एलसीएम लेंगे. तो 9 एंड एलसीएम ऑफ 9 and 2 कितना आएगा? 18. मतलब अब यहाँ ध्यान से देखना, करना क्या है, 3/2 ये लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे आपके क्या आना चाहिए, इक्वल में 18 आना चाहिए. ठीक है, और यहाँ क्या है, 9 है. मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से. तो 2 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी होगा. तो 5 2 का कितना हो गया, 10. ये हो गया 10/18. जो भी एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है, समझ गए. अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी अपॉन में क्या चाहिए, 18 चाहिए. और यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 9 18 विच मीन्स दैट 9 से. ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर में भी करना होगा. ठीक है, 9 3 27. अब देखो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 27/18 इज ग्रेटर देन 10/18. ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है. अब देखो 27/18 किससे मिलाया बना है, एक्चुअल में 3/2 से. तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/2 इज ग्रेटर देन 5/9. समझ गए कैसे करना है, एलसीएम लेके और उस एलसीएम को आपको जो भी डिनोमिनेटर है उसको आपने एलसीएम में कन्वर्ट करना है, जो भी एलसीएम में नंबर आता है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन. अब देखो सेकंड देख लेते हैं. देखो सेकंड क्या है, 4/-6 और -6/7. ठीक है, ये लिखा हुआ है तो आप इसको सेम बनाना है. तो एलसीएम ऑफ, ये ध्यान रखना माइनस साइन नहीं लेते. ठीक है, केवल नंबर्स लेंगे 6 and 7. 42 आएगा. ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिखा है क्योंकि 7 क्या है, 7 प्राइम नंबर है. ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखना होता, एलसीएम आपको लेना पड़ेगा जो भी आए. ठीक है, इस वजह से वो मल्टीप्लीकेशन में होके फर्स्ट और सेकेंड का आ रहा है. ठीक है, अब यहाँ क्या बनाना है आपको, 4/-6 में 42 करना है. ठीक है, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का. डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर में भी किया, तो कितना हो गया, 7 4 28. ठीक है, अब देखो सेकेंड में भी यही करना है, -6/7 into इज इक्वल टू, यहाँ कितना करना है आपको, 42. तो 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, 7 6 42. ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमिनेटर में भी करना होगा, कितना आ गया, -36. ठीक है, यहाँ क्या है, -42. अब यहाँ देखो, इससे अभी आपको केवल इतना समझना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूमिनेटर में है कि डिनोमिनेटर में है. माइनस माइनस अगर न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक में लगा हुआ है, मतलब वो रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर है. ठीक है, ठीक है, क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है. तो दोनों ही नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है. कैसे, -28/42 इज ग्रेटर देन -36/42. जो जितना छोटा है वो उतना ही बड़ा है. अब समझे, छोटी वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी क्योंकि माइनस लगा हुआ है. ठीक, समझ गए. अब देखो क्या है, 28/-42 किससे बना था, 4/-6 से. और -36/42 किससे बना है, -6/7 से. बस दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज लेस. ठीक है, समझ गए. ठीक है, कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है. अब देखो 4 and 7/2 लिखा हुआ है, इसको आप कैसे करोगे, आप कर सकते हो माइनस की वैल्यूज. ठीक है, थर्ड देखो, देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, 4 and 7/2. ठीक है, ये लिखा हुआ है.
अब आपको समझ में नहीं आ रहा, 4 भी एक रेशनल नंबर है, अपॉन में क्या होता है, 1 होता है, तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 क्यों ले रहा है एलसीएम, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, ठीक है, कितना आएगा 2, तो 4 अपॉन 1 इनटू कितना करना है 2 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, न्यूमिनेटर में भी 2 से होगा, तो कितना आ गया 8 अपॉन 2, और यहां से क्या है 7 अपॉन 2 है, यहां आपको कितना करना है 2 करना है, 2 ऑलरेडी है यानी किसका मल्टीप्लाई 1 का, ठीक है, कितना आ गया 7, 7 अपॉन 2 और 8 अपॉन 2 में ग्रेटर कौन सा है, 8 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 7 अपॉन 2, ठीक है, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 7 अपॉन 2, ठीक है, समझ में आ गया, दिस इज थर्ड वन, अब आप करोगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है, ठीक, अब देखो क्वेश्चन थर्ड में देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अब क्या करना है आपको, जो थर्ड में जितना भी आपको रेशनल नंबर्स गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट, ठीक है, अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, ठीक, तो यहाँ देखो ध्यान से देखो, नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव से छोटे होते हैं, यानी ये दोनों तो मतलब 2 अपॉन 7 इज ग्रेटर, ठीक है, यानी कि फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर जाते तो यानी ये लास्ट में आएगा, ठीक है, अब देखो, ठीक, अब आपको पता करना है इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो जो जितना छोटा वो उतना ही बड़ा, यानी माइनस 1 अपॉन 7, जो जितना छोटा वो उतना ही बड़ा, ठीक है, एंड देन माइनस 6 अपॉन 7, समझ में आ गया, ठीक है, क्या किया, ठीक, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन आप करोगे, सेकेंड भी बहुत इजी है, देखो माइनस की वैल्यू हमेशा छोटी होती है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, यहाँ ध्यान रखना, जब भी आप ये करोगे तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, जैसे मैंने अभी बताया एलसीएम लेके, ठीक है, सेकेंड में बता देती हूँ, थर्ड और फोर्थ आप करोगे, देखो सेकेंड में क्या है आपका 2 अपॉन 3, 8 अपॉन 3 एंड देन 5 अपॉन माइनस 9, ठीक है, अब 3 3 माइनस 9 लिखा हुआ है, यानी कि 9 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 3 एंड 9 कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है, करके देख लेना ये, ठीक है, अब देखो 2 अपॉन 3 लिखा हुआ है फर्स्ट वैल्यू, यहां पे आपको कितना कन्वर्ट करना है 9, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 तो है ही, ठीक है, अब देखो 8 अपॉन 3 गिवन है आपको, किसका मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ कितना करना है 9, 3 है ऑलरेडी, 3 3 जा 9 होता है तो यानी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, 8 3 जा 24, ठीक है, अब देखो 5 अपॉन माइनस 9, ठीक है, और यहाँ कितना करना है आपको 9 ही करना है, ठीक है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, ये कर लिया 5 और ये माइनस लगा हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, अब यहाँ इतना ध्यान रखना जो माइनस की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस होती है पॉजिटिव वैल्यू से, यानी कि ये तो सबसे छोटा है 5 अपॉन माइनस 9, ठीक है, समझ गए, ये सबसे छोटा है, अब इसमें देखो इसमें छोटा कौन सा है, ये पॉजिटिव नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 अपॉन 9 इज स्मॉलर देन 24 अपॉन 9, विच मीन्स दैट 24 अपॉन 9 इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दीज रेशनल नंबर्स, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, कर लोगे आप ये, ठीक, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इतना याद रखना, ठीक, अब देखो अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन फोर्थ देखो, इसको आप क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है यानी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपॉन में क्या है 2 के अपॉन में 1, तो एलसीएम ऑफ 1 6 एंड 3 कितना आएगा 6, ठीक है, ये आपको करके देखना है, ठीक है, एलसीएम जो मैं फटाफट बता रही हूँ आपको, ठीक है, अब फर्स्ट में देखो 2 अपॉन 1 है, कितना कन्वर्ट करना है 6 कन्वर्ट करना है,
तो किसका मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, 6 का डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, कितना आ गया 12 अपॉन 6 माइनस 13 अपॉन 6 गिवन है आपको, कितना कन्वर्ट करना है 6 ही कन्वर्ट करना है, यानी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1, ठीक है माइनस 13। अब 1 अपॉन 3 गिवन है आपको, कितना कन्वर्ट करना है 6 यानी 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है 2 अपॉन 6। अब देखो हो गया डिनोमिनेटर सेम, तो यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है, यहाँ माइनस 13 अपॉन 6 मत कर देना क्योंकि माइनस की वैल्यू है यानी ये सबसे छोटी है, ठीक है, क्योंकि और जो दूसरी वैल्यूज गिवन है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी पॉजिटिव ही सबसे बड़ा होगा। 12 अपॉन 6 इज ग्रेटर देन 2 अपॉन 6 इज ग्रेटर देन माइनस 13 अपॉन 6। अब जिससे फॉर्म हुए हैं वो नंबर्स राइट करो, 2 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन माइनस 13 अपॉन 6, ठीक है समझ गए। ये देखो ये 2 से फॉर्म हुआ, ये किससे फॉर्म हुआ 1 अपॉन 3 से, और ये किससे फॉर्म हुआ माइनस 13 अपॉन 6, ठीक। दिस इज योर आंसर फर्स्ट वन, ठीक है। अब कर सकते हो आप जो दूसरे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आते जा रहे हैं ऐसे ही ऐसे ही, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैं बता रही हूँ, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस 4 अपॉन 5 एंड माइनस 1 अपॉन 2, ये आप कर लेना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है, 2 to 3 क्वेश्चन है ओनली, तो वो आप कर सकते हो। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसको डिनोमिनेटर को सेम किया है, ठीक है। एलसीएम ऑफ 5 इन 2 कितना हो जाएगा 10, माइनस 4 अपॉन 5 इन 2 2 आएगा यहाँ पे क्योंकि 10 कन्वर्ट करना है, यहाँ भी 2 हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 10, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5, यहाँ भी 5 माइनस 5 अपॉन 10। अब देखो इनके बीच में आपको रेशनल नंबर्स पता करने, यानी कि माइनस 8 अपॉन 10 एंड माइनस 5 अपॉन 10, ये तो बहुत ही ईजी हो गया। माइनस 8 और माइनस 5 के बीच में कैसे पता करोगे, माइनस 7 अपॉन 10 माइनस 6 अपॉन 10 एंड देन माइनस 5 अपॉन 10, तो ये है ही, ठीक है समझ रहे हो। और देखो और अगर आपको ज्यादा नंबर्स, जैसे कि इसमें कितने करने 5 रेशनल नंबर्स, लेकिन यहाँ आप कितने कर पा रहे हो, केवल 2 कर पा रहे हो, ठीक है, तो कैसे करोगे आप फिर, यहाँ 10 मत लो, यहाँ लो 20, एलसीएम मत लो, यहाँ पे आप क्या लो 20 लो, मतलब डिनोमिनेटर में आपको 20 कन्वर्ट करना है। क्यों क्यों मैंने 20 लिया, क्योंकि ये 10 का मल्टीपल है, 10 क्या है 10 एलसीएम है, ठीक है। यहाँ 20 अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, ठीक है माइनस 16 अपॉन 20, यहाँ भी अगर 20 सेम डिनोमिनेटर करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो कितना आ जाएगा माइनस 10 अपॉन 20। अब इनके बीच में आपको रेशनल नंबर्स मालूम करने, मतलब माइनस 16 अपॉन 20 एंड माइनस 10 अपॉन 20, ठीक है। द फाइव रेशनल नंबर्स ऐसे राइट करोगे आप, द फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस 16 अपॉन 20 एंड माइनस 10 अपॉन 20 आर कौन कौन से होंगे, अब इसके बीच के नंबर्स लिख दो, माइनस 15 अपॉन 20 माइनस 14 अपॉन 20, ठीक है माइनस 13 अपॉन 20 माइनस 11 अपॉन 12 अपॉन 20 माइनस 11 अपॉन 20, ठीक है। ये करोगे आप, ये हो गए फाइव रेशनल नंबर्स, इनके बीच के किसके किसके, इसके बीच के हैं ये रेशनल नंबर्स, जो मैंने ये बताया ना ये मल्टीपल हैं इसके, वही बात है, ठीक है समझ गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन 5 में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, 4 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं ना, तो आपको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 6 ले लो डिनोमिनेटर में, तो जैसे देखो 6 आपको लेना है तो 2 अपॉन 1 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 6 आना चाहिए, तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई होगा 3 का, डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर में भी होगा, यानी माइनस 6 अपॉन 6 हो गया, और सेम डिनोमिनेटर कन्वर्ट करते हैं यानी माइनस 1 है, तो यहाँ कितना आना चाहिए 6, तो यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 1 है 6 का एंड देन 6 का, ठीक है, तो कितना आ गया आपका माइनस 6। जस्ट अ सेकेंड, ये आप कर लेना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है कर सकते हो ये, ठीक। सेम होगा यही कि आपको डिनोमिनेटर सेम करके उसको उसके बीच के नंबर्स आपको राइट करने, ठीक। दिस इज क्वेश्चन नंबर, दिस इज एंड ऑफ 11.2 एंड देन 11.3।
देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 5/9 प्लस माइनस 8/9, ये आपको गिवन है, ठीक है। ब्रैकेट क्यों यूज किया है, क्योंकि टू साइंस एक साथ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 5/9 एज इट इज, ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस और माइनस ब्रैकेट का मतलब इन टू, कितना हो गया माइनस 8/9, ये लिखा हुआ है। अब डिनोमिनेटर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आंसर में भी डिनोमिनेटर 9 ही आएगा, वो 9 - 9 जीरो नहीं करना वहां पे, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा 5 - 8, ठीक है, कितना हो गया -3/9, ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, ये क्या है डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, और साइन किसका आता है ग्रेटर नंबर का, इंटीजर वाला पार्ट उठा के देखो, ठीक है, इंटीजर वाला पार्ट आई थिंक लेसन फर्स्ट है वो, ठीक है, पार्ट वन, ठीक है, पार्ट वन नो सॉरी चैप्टर वन, ठीक है, इंटीजर, यस इंटीजर कौन सा है, चैप्टर वन है, उसमें मैंने साइन बताया है, ठीक है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होगा और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, कितना आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस 8 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, -3/9 इसको कैंसिल आउट करो, 3 * 3 = 9, कितना आ गया -1/3, ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो सेकेंड बन जाएगा आपसे, डिनोमिनेटर सेम है, अब यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है तो साइन कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। थर्ड भी हो जाएगा, थर्ड सेम क्वेश्चन है एज लाइक क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो फोर्थ देखो, 3/-7 लिखा हुआ है एंड देन +1/7 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ -7 है, इसको मैंने यहाँ मिडल में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको कुछ नहीं बचा, -3/1/7 यानी कि -2/7 इज योर आंसर, ठीक है। अगर साइन न्यूमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में, उसे फर्क नहीं पड़ता है, वो उस पर्टिकुलर रेशनल नंबर का ही साइन होता है, ठीक, समझ गए, ये हो गया। और ग्रेटर नंबर का साइन मैंने माइनस, ठीक है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट एंड देन ग्रेटर नंबर का साइन। अब देखो ये हो गया आपका, अब देखो फिफ्थ देख लो, फिफ्थ क्वेश्चन 9/-17 यानी माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस -11/17 ये आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो ये ऐसा होना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि टू साइन एक साथ में नहीं लिख सकते हैं। अब देखो -9/17 है एज इट इज, अब देखो प्लस माइनस क्या हो गया -11/17, डिनोमिनेटर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 17 - 9 - 11 कितना हो गया -20/17 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया फिफ्थ वन। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, ठीक। अब यहां से देखो, यहां से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहां पे अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अब ध्यान से देखना क्या होगा, ठीक है, कुछ नहीं है वैसे, ये सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा -3/1/2 ये आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा अपॉन 1, ठीक है, एलसीएम ऑफ 1 and 2 क्यों कर रहे हैं, सेम करने के लिए डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब यहाँ -3/1 लिखा हुआ है (2)2 कितना आ जाएगा 2, 3 2 = 6 ये तो समझ गए ना, अपॉन में 2 करना है तो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब यहाँ देखो 1/2 (1, 1 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ही चाहिए, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये 2 नंबर्स को क्या करना है आपको, ऐड करना है, कर दो ऐड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -6/2 + 1/2 ऐसे आप राइट करोगे, ऐड बोथ द नंबर्स, ठीक है, बोथ द रेशनल नंबर्स कर सकते हो, ठीक, ये कर लिया मैंने। अब देखो इसको, अब वही क्वेश्चन हो गया, 2 एज इट इज एंड देन -6/1 डिफरेंट साइन क्या हो जाजाएगा माइनस हो जाएगा -5/2 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन। अब देखो नॉट फर्स्ट,
दिस इज सेवेंथ. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर एट. क्वेश्चन नंबर एट देखो क्या लिखा हुआ है आपका. माइनस सेवन अपॉन एटीन प्लस फाइव अपॉन ट्वेंटी सेवन, ये आपका गिवन है. ठीक है, एलसीएम ऑफ एटीन एंड ट्वेंटी सेवन कितना आएगा, फिफ्टी फोर. ठीक है, अब देखो ये करके देख लेना कितना आएगा, फिफ्टी फोर आएगा. सेवन अपॉन एटीन, यहाँ क्या लिखा मैंने, फाइव अपॉन ट्वेंटी सेवन. ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना चाहिए, फिफ्टी फोर. यहाँ भी डिनोमिनेटर में कितना चाहिए, फिफ्टी फोर. अब देखो यहाँ थोड़ी सी लार्ज वैल्यू आ गई. ठीक है, ये लार्ज वैल्यू आ गई तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि मल्टीप्लाई किससे करें, तो कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना. 27 का 54 में डिवाइड कर दो आप. ये डिवाइड करोगे तो ये जाएगा टू टाइम्स. ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, टू से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, किससे करना है, टू से. तो यहां भी टू से होगा, कितना आएगा, टेन. यहाँ किससे करना होगा, थ्री से. नहीं समझ में आता तो 18 का डिवाइड कर दो 54 में, तो कितना आएगा, थ्री. डिनोमिनेटर में थ्री से किया है तो न्यूमिनेटर में भी थ्री से करना पड़ेगा, माइनस 21. अब यहाँ देखो ग्रेटर कौन सा है, नॉट ग्रेटर. अब क्या करना है, इनको ऐड करना है, ऐड दीज नंबर्स. ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस 21 अपॉन 54 प्लस 10 अपॉन 54. ठीक, ये किया मैंने, अपॉन में 54 एज इट इज, माइनस 21 प्लस 10 कितना आ गया, माइनस 11 अपॉन 54. ठीक है, ये हो गया आंसर. ठीक, समझ गए. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. अब आप कर सकते हो जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है. ठीक है, ऐसे तो केवल 2 ही क्वेश्चन है, 9th एंड 10th, ये कर लेना आप. So this is the end of the class. Thank you.